जब लग गुरु मिले न साचा तब लग गुरु करो दस पाचा क्या गुरु बदल सकते हैं क्या गुरु बदलने से पाप लगता है आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब मेख मार दी उसकी परमात्मा ने बड़ा कर उसकी खत्म कर दिया कि नहीं मरेगा और ये है समर्थ की शक्ति लेकिन हम सत्संग के अभाव से फिर विचलित हो जाते हैं उसने अपना फिर जीवन नाश कर लिया मूर्ख ने वो फिर हमारे गांव में ब्या आ गया था सत्ताईस साल का हो रहा था और हमने उसका खूब याद है ये बातें तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य आपने ये वचन भी सुनने को मिल रहे न काल तो आपके कान के छींट भी ना लागण दे इस ज्ञान की कोई कित्ता फंसा रख्या है कोई किता उड़ जा कोई है, है कोई वैष्णो देवी पजा बेचारो इतने पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं कोई साला सर जा, जा रहा है कोई बालाजी जा रहा है कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ही अपना भक्ति का आधार बना कर जा रहा है ये सब काल के द्वारा भ्रमित कर दिए अब ये ज्ञान शुरू करा परमात्मा ने और जो यहाँ आएगा उसका कल्याण अवश्य होगा और उसके ये सुख अवश्य मिलेंगे उनको तो तो थी थी जैसे प्रसंग चल रहा था कि सबको मालूम है ये तो सभी मानते हैं कि भाई बुरे का फल बुरा ही होता है लेकिन डर निकल गया हमारा डर कब निकलता जब हमें ज्ञान नहीं रहता अब हम अपनी मर्जी से अपने व्यवस्था से भगवान के विधान को त्याग कर स्वयं अपने कर्म के लेख को चेंज करना चाहें कभी नहीं हो सकता जिस समय कंस ने अपनी बहन देव की का विवाह श्री वासुदेव जी से किया श्री कृष्ण जी के माता पिता थे वो और कंस उनका मामा था तो उसने बड़े प्यार से अपनी बहन का विवाह किया और उसको सी ऑफ करने के लिए अपनी नगरी की सीमा तक छोड़कर आते थे स्वयं रथ को चला रहा था और दोनों उसके बहनोई और बहन के पीछे बैठे थे रास्ते में आकाशवाणी होगी कि तेरे मारने वाला कंस तेरी बहन की कोख से पैदा होगा उसका आठवां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा अब देख अकल की कमी एक तरफ तो कंस ने वह वा आकाशवाणी साची मान ली कि आठवा पुत्र होगा तेरी बहन का वो तेरी मौत उसके हाथों है ये तो अटल मान ली उसने एक होगी फिर जब सच्ची मानी तो उसने फिर उसके उसको बदलने के तरीके अपनी सोच से अपनाए अज्ञानियों की सलाह से वहीं से रथ को वापस मोड़ लाया और उनको दोनों को मारने लग गया अब अपनी मौत तो इतनी प्यारी और बहन और दामाद उस बनोई की मौत उसने कुछ भी ना समझी अकल हीन ने तब उन दोनों ने प्रार्थना की कि भाई उसकी बहन कहने लगी भाई मुझे मारे ना क्यों बहन भाई का लगाव नारा ही होता है भले ही वो इस बात को सोच रहा था फिर भी बहन की इस पुकार को, पर उसने जोर देना पड़ा कुछ रजा मालिक की थी कि तू ऐसा कर अमे मारा मत हमने यहाँ नज़रबंद कर ले दोनों को जितनी भी संतान होगी हम तुझे दे देंगे तो जो चाह वो कर लिए भाई तो उसने सब उसने सल सोच ली ठीक है मेरी सातवीं संतान आठवीं तक तो मार दूंगा आठवीं के बाद होगा इनके बाग की उसने यहाँ तक सोच ली तो उनको रख लिया चल बहन को मारने का भी पाप बच गया फिर लग गया नौजात शिशुओं को मारने दुष्ट ने नौ मार आठ सात मार लिए मारे और आठवें को मारने गया वो आकाश में उड़ कर चली गई जबकि लड़का कहा था वह लड़की थी बुद्धि फिर भी ना काम करी तो कहने का भाव यह है कि उसने अपने सतर से अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए आयु बढ़ाने के लिए सारे यत्न कर लिए और वो की वो हुई जो आकाशवाणी ने कहा था तो के अकल थी उसमें एक तरफ तो आकाशवाणी को फाइनल मान रहा कैसा होगा ही होगा जब होगा तो ठीक है हाथ खड़े कर देना अक मैं दुष्ट हूँ मुझे शायद मैंने भी कभी उस बच्चे को मारा होगा आज अपना बदला ले लेगा आठवीं संतान कौन सी यादा हो जाएगी तो इस करके जी लेना चाहिए था और वो मरिया भी और पाप और इकट्ठे कर लिए जब उसको ये पता चला ना कि आकाशवाणी फिर होगी काल के तो ये काम है पाप का घड़ा भर हुआ है वो जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ जेल में और उसे लेकर उसका पिता दूसरे स्थान पर अपने मित्र के यहाँ छोड़ आया वहां से नवजात उत्पन्न लड़की को वापस लाकर वहां रख दिया तब आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है लेकिन जेल से बाहर अब उसने सोचा भी आसपास के नगर के जितने भी उसके राज्य में नवजात शिशु थे एक दिन का दो दिन का दस दिन का महीने के छह महीने के साल के दो वर्ष के दस पांच वर्ष तक के बालकों को सबको मरवा दिया दुष्ट ने एक अपनी जान बचाने के लिए ये है अकल के कमजोर अकलहीन ये है कल पाप का भर लिया मरका मान्या मरत्यु हुई जो की तुम जो बोला गया था तो जब तक हम इसका समाधान जैसे कोई धनी बनने के लिए जब तक इसका अपने किस्मत को बदलने का समाधान हम अपने तरीके से अपनाएंगे वो हानि ही हानि होगी लाभ नहीं हो सकता और उसके चेंज करने की विधि बता रखी है कि मासा घटे ना तिल बदे विध ना लिखे जो लेख और साचा सतगुर मेट के ऊपर मार दे मेख परम संत की शरण में कबीर परमात्मा के बच्चे की शरण में आने के बाद फिर ये प्रारब्ध कर्म वो बदल सकता है सारे इतिहास चेंज कर सकता है वो समर्थ है समर्थ किसे कहते हैं फिर आत्मा परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो और वो परमात्मा स्वयं ही चल कराते आते हैं हमें यथार्थ ज्ञान बताते हैं जैसे आप जी सत्संग में आते हैं महीने दो महीने दस पंद्रह दिन महीने चार महीने में तकरीबन सभी आ लेते हैं तो अन्य व्यक्ति तो ये सोचते हैं कि ये कितना हानि करते हैं किराया लगता है काम छोड़ कर जाते हैं पुणात्मा आप जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जहाँ से चलते हो और यहां तक जो भी आपका किराया भी लगता है वो भी परमात्मा के पुण्य में है आपका धर्म में लग रहा है वो पैसा वहां से लेकर यहां तक और जो दान धर्म करते हैं आपको वो तो डायरेक्ट दिखाई देता है कि मैंने दान डाला है मेरा पुण्य हो गया लेकिन वहां से यहां तक आने और जाने का जो आपका किराया है वो भी आपके धर्म में लगा लिखा जाता है अब बगैर ज्ञान के हम ऐसे उलझे रहते हैं अपने आप धनी बनने के लिए सौ तरीके अपनाते रहते हैं परमात्मा कबीर जी कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवानी काम मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे तक काम के मेरे सतर का जो भगवान के सतर का तेरा कोई ऐसे कार्य आवेगा कोई आपत्ति आवेगी तो फिर कहता है तू तो चिंता ना करना तेरा तेरा मन इच्छा फल दूंगा तो यदि तू रह परंतु रहना पड़ेगा तूने मेरी मर्यादा में भगत की कैसी मर्यादा है भगत और जगत का आपस में मतभेद सदा से रहा है इसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि भगत की परंपरा मर्यादा जगत से भिन्न बन जाती है और जिन परंपराओं को लेकर वो पहले समाज में चल रहा था इतने वजन को उठाकर इस भक्ति मार्ग पर प्राणी चल नहीं सकता जैसे कोई यात्री है यात्रा कर रहा है उस वो पहले ही सोच लेता है आवश्यक वस्तुएं ही लेकर साथ चलो अधिक गठड़ी उठाने सफर नहीं कर पाऊंगा उसको अंडरस्टूड होता है तो वो ज़्यादा नहीं बांधता एक थैला छोटा सा काख में आएंगा आवश्यक वस्तु डाली और सफर पर चल पड़ता है जो भक्त बन गया वो परमात्मा के मिलने वाले मार्ग पर चल पड़ा और जो भक्त नहीं बना वो वही बैठा अपने घर पर वो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता तो उसकी मर्यादाएं कुछ अन्य हैं उनसे हटकर हम अपने सीमित करके इस सफर पर चल सकते तो इस प्रकार जगत और भगत की आपस में मतभेद बना रहता है कि ये तो ऐसे भी नहीं करते ये तो भी ना मनाते ये तो दहेज भी ना देते ये लेते भी कौन नहीं।, नहीं तो इस तरह के हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें ज्ञान हो गया कि आज हम किसी से लेते हैं कल देना पड़ेगा तो क्यों सिर में दर्द करे फिर देने के लिए जैसे आज कोई कोई रिश्वत ले रहा किसी से पांच हजार दस हजार बीस हजार ले ली और वो उसने देनी पड़ेगी फिर उसको आगे चल के अगले जन्मों में अब परमात्मा आदनी गिरदास साहब जी कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्म राज के तिल तिल का लेखा बता कहते तुम इसलिए गलती करते हो तुमने वो स्थान ना देखा जहां पर फैसले होते हैं इस भगवान के सतर के तुमने उस दरगह का वो मैल नहीं देखा धर्मराज के तिल तिल का लेखा ये बालकों का खेल है एक तिल यानी एक जरा सी भी कोई आपकी वस्तु है आपस में वो लेन देन किसी भी जन्म में हो चाहे हजार जन्म के बाद वो आपकी वो पूरी करनी पड़ेगी आज कोई रिश्वत ले रहा है अगले जन्म में वो दामाद बनकर लेगा उसका और पैसा ले जाएगा और फिर मृत्यु हो जाए मन माने वो पैसा भी गया लड़की दूसरी जगह आनी पड़ेगी तो वो टूट गया कैर उसके ऊपर हमारे सामने जितनी भी ये आपदाएं आती हैं ये पिछले संस्कारों से हैं इसको समझने के लिए एक उदाहरण है हम इतने गिर चुके हैं इतना सतर गिर गया हमारा हमने सिर्फ ये संसारिक भौतिक सुख दिखाई देते हैं नथिंग एल्स और इनके पाने के लिए यहाँ की सुखी फोकट महिमा बनाने के लिए हम कुछ भी आगा पीछा नहीं देखते एक व्यक्ति का विवाह हुआ एक पुत्र उत्पन्न हुआ उसकी पत्नी की मृत्यु होगी उसने दूसरी शादी की दस बारह वर्ष के बाद दूसरा दूसरा पुत्र हो गया वो स्वयं भी मर गया उसकी पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त होगी अब बड़े लड़के का विवाह हो चुका था छोटा भी बालक था दस बारह वर्ष का तेरह वर्ष का तो क्या हुआ वो छोटे वाला बीमार पड़ गया बीमार हो गया तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाया फिर किसी ने बताया कि इसको वहां ले जाओ आपता दस दिन वहां रखना पड़ेगा कितने पैसे लगेंगे पाँच सौ रुपये का खर्चा होगा उसमें पाँच सौ रुपये आज के पांच लाख से भी ज्यादा समझ लो तो उन्होंने विचार किया कि 500 सौ रुपये वहां लगा देंगे और फिर इसने ये मृत्यु को तो निकट है ये मर जा तो बढ़िया सारी संपत्ति इसकी हमारे नाम आवेगी काम आवेगी यानी 10-15 एकड़ जमीन थी इसकी उसके हिस्से की उस लालच में उन्होंने के स्कीम बनाई एक डॉक्टर से बात करी वैद्य से कि वैद्य जी तू ऐसे ऐसे कर दे ये बीमार तो है ही किसी को पता भी नहीं चलेगा वो भी लालच में डूब गया पाँच सौ रुपये उसने सौ रुपये लिया जैसे भी लिया और उसको विष दे दिया बच्चे को वो मर गया मर गया तो कुछ दिन के बाद वो तो खुशी का ठिकाना नहीं किसी के को पता चला नहीं रस्ते का रोड़ा भी निकल गया उनके सोच से फिर बताते हैं कि उनका बच्चा लड़का हो गया एक वर्ष के बाद अब खुशी का ठिकाना नहीं पाला पोसा उसका विवाह कर दिया सोलह जल्दी विवाह कर देते थे तो बारह तेरह वर्ष के का पंद्रह सोलह वर्ष का जब वो लड़का हो गया बीमार हो गया संतान कोई थी नहीं इतना बीमार हो गया कि अपने पुत्र को उन्होंने जहां भी जिसने बताया झाड़ फूक करने वाला या कोई वैद्य डॉक्टर सब जगह ले गए वो जमीन भी बेच दी आधे आधे से भी अधिक और उसको कोई आराम होने का नाम नहीं एक दिन वो उसका पिता बैठा लड़का लेटा हुआ चार पाई पर कति अस्थि पिंजर शेष था तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब अपने पिता की तरफ मुकर के कहा भाई साहब अब उसने सोचा तो कति इसकी बुद्धि भी खत्म होली मुझे भाई कहने लग गया कहा कि भाई साहब मेरी लकड़ियों की व्यवस्था कर ले और एक कफन तैयार कर ले वो कहता है बेटा मैं तेरा बाप हूं मैं तेरा पिता हूं भाई नहीं हूं बोला नहीं तो मेरा भाई है अरे सुन ले राम कहानी मैं तेरा वही भाई हूं जिसको तूने विष देकर मारा था और किस लालच में यह संपत्ति तेरे नाम हो जाएगी यह संपत्ति भी मेरी आली सारी तेने तो बेच बेच के मेरे ट्रीटमेंट पर लगा दी है अब केवल तेरा मेरा हिसाब है कफन और लकड़ियां का रह रहे कर ले त्यार तब उसकी अबू जी के सकर्यू खुल गए अगर सचमुच मन तो नाश कर भाई मारा और संपत्ति भी गई रोण लग गया आंखों में पानी भर के तब तो वो लड़का कहने लगा भी रोण दौड़ तो कुछ ना पाखंडी तो अपनी तैयारी पकड़े अब उसने उस समय विवेक आया कि भाई ठीक है जैसा इस नीच ने किया मेरा तो आगी आ गई तो संतान मेरा वो को नहीं इकलौता पुत्र था तो मरेगा मेरा तो वंश नष्ट हो गया जिसा मुझ मैंने किया ठीक मिला मुझे तो पर एक बात और बता दे जो या तेरी पत्नी है तेरी मृत्यु के बाद अब इसको जीवित जलाया जाएगा क्योंकि सती प्रथा थी उसमें पति मर जाता था तो पत्नी से पहले तो पत्नी को जिंदा जलाया जाता था चेता में जैसे मुर्दे को फूकते उसको सती कहते अब इसका क्या दोष इसने अब अब इसको जिंदा जलाया जाएगा तब तो उसने बताया कि वो डॉक्टर कहां है जिसने मुझे व्यस्त दिया था वैध उन्होंने बताया कि आपके दो तीन वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होगी थी तो उस लड़के ने बताया कि ये वही है ये डॉक्टर मेरी पत्नी अब यो भी वो लेगा अपने करे हुए को तो अपने आत्माओं ये भले ही आपने कथा लगती हो पर विधान है परमात्मा का यो तुमने उस दर्ग का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा एक एक पाई पाई का हिसाब होगा वहाँ पर तो इस प्रकार हमने परमात्मा पर विश्वास करके और जो साधना दास बताता इसको करके देखो और फिर लाभ देखिए उस परम पिता के आपकी किस्मत से नारे दिन लगेगा आपने आप सोच भी नहीं सकोगे भगवान हम तो सुना करते भगवान ऐसा कर देता है पर और आज हो रहे हैं हमारे साथ आपके कई दिन में समझ मन नहीं आओ यू हुआ कैसे यू कार्य कभी सोच भी ना सकते यू तो किसी तरह भी होने का नहीं था और ऐसे कर देगा आसानी से आप सोच भी नहीं सकते और फिर आपका विश्वास और दृढ़ होगा ऐसे भक्ति में लग जाओ जैसे परमात्मा ने एक एग्जाम्पल दिया खुद मालिक ने आके कुल धनी ने कबीर भगवान ने कबीर परमेश्वर काशी में एक बन कर रहा अब परमात्मा का विधान है कि वो स्वयंभू है उसकी लीला में लिखा है वो उसके गुणों में लिखा है और वो सतलोक से सचखंड से जहाँ भी वो रहता है उसको किसी भी नाम से उस स्थान को पुकारते हैं अमरलोक कहो सतलोक कहो उसको लोक कहो तो वहां से रहता है वो परमात्मा नर आकार है राजा के समान वहां बैठा है सिर पे मुकुट है सिर पे छतर है सफेद वस्त्र है सफेद कलर है सफेद ही उसका प्रकाश निकल रहा है उनके शरीर से करोड़ सूर्य दे करोड़ चंद्रमा एक रोमकूफ की इतनी शोभा है और वहाँ सफेद पृथ्वी है वो सफेद जैसे यहाँ की पृथ्वी का कित बालू रेत जैसा रंग है लाल लाल गेरुआ सा कहीं पर काली मिट्टी है तो वहाँ का सभी मिट्टी बहुत चमकीली है सफेद है उपजाऊ गणी है उस सतलोक ऐसा स्थान है एक पृथ्वी है और नकली जितने भी सतलोक के गुण गावे हैं सचखंड बतावे हैं ये राधा स्वामी पंथ जय गुरुदेव पंथ विवाणी दिनोद वाला पंथ ठाकुर वाला पंथ किस देख ले कबीर पंथियों को देख लो इस दास के अतिरिक्त कोरी बाई बकरे और जय गुरुदेव पंथ सच्चा सौदा सरसा वालों का और जगमाल वाली वाला पंथ ये सभी वहां कहते हैं वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है चेतन प्रकाश है और मुक्त जीव वहां जाकर उसमें मिल जाती लीन हो जाती है उस बूंद समुद्र में एकादा चतुर कबीर पंथी कहता है आत्मा तो डोट रूप में रहती बिंदु बिंदु खा देखा उन्होंने परमात्मा का मूर्ख बना रखे तो ये सभी अभी तक भ्रमित थे इनका अनुभव नल था इनका भक्ति विधि सही नहीं थी इनका ज्ञान भी गलत था इनके मंत्र भी गलत थे पांचों नाम काल के जाप करें बात करें जान की टिकट कटारे लोकल बस की <laughs> बात कर अमेरिका जान किया अमरीका से भारत की तो ये कैसे बन सकती ये बातें तो ये इनके नाम में गलत है वहाँ जाने वाले तो कैसे पार होंगे ये अंडरस्टूड है क्योंकि हम इतने विश्वासी हैं कि जो गुरु बता रहे हैं फाइनल है बस और सोचना ही नहीं ना सोचो वो शिवदाल भूत बन गया ए बुक्की में बोला अपनी शिष्या में सारे तुम बोलोगे और समझदार है उन्हें सोचना पड़ेगा और कल्याण कराना चाहिए दास की प्रार्थना है पाचे बनी सो बनी पीछे अब शेष तो बच जाओ कितने दिन से शोर मचा रहा हूँ जेल में मैं चला गया है तुम्हारे लिए या साची कहण के चक्कर में और कहूँगा आखिरी सांस तक चाहे शरीर रहो या ना रहो कोई बात है या असंग जन्म हो गया हमने अ धक्के खात्यान केवरन मैटी और मुझसे नहीं देखी जाती क्योंकि दास को वो ज्ञान भगवान ने दे दिया मुझे कोई दूसरा नज़र नहीं आता पूरी पृथ्वी अपनी सी दिखे है सब अपने बहन भाई दिखे क्योंकि हम सतलोक से आए हुए या काल ने हमारे हमें मूर्ख बना बनाकर आपस में लड़ा बिड़ा रखा है हमारे साथ आपस में ये मनमुटाव रखता है घर घर में लड़कड़ा करवा रखी इसने सास बहू की बनती ना नंद बहू का लट्ठम लट्ठा बाप बेटे का झगड़ा पड़ोसी गेल झगड़ा छोटे से बंटवारे पर किसी किसी काम पर सारा दिन टेंशन ग्रत रखना इनको दुखी सताना दुखी करना उस काल का करते हुए उसका परम धर्म बन गया है कि ये भगवान के बच्चे हैं इतना सता दो, और वो भी दुख पाता रहेगा हमें दुखी देख कर लेकिन परमात्मा के सामने विकल्प यही है कि वो अपना ज्ञान दे कर अपने में आपकी आस्था दृढ़ कर कर सच्ची भक्ति करा के ही आपको यहाँ से ले जा सकता है और ये ज्ञान ये तभी संभव है जब आप स्व स्वयं शिक्षित होंगे तो अब शिक्षित करना पड़े आपको परमात्मा ने और शिक्षित करके अब जितने भी संत थे पंथ थे धर्म मजहब थे उनके सदग्रंथ भी विद्यमान हमारे पास और उनका अनुभव वर्तमान के जितने भी कलयोगी संत मंत हैं आचार्य शंकराचार्य हैं किसी भी धर्म पंथ के उन वो क्या हमें बता रहे हैं ये आपको मालूम है और सदग्रंथ दास दिखा रहा कि ये बताते निराकार भगवान को किसी से बात कर लो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान सिख या ईसाई है कहते परमात्मा तो निरंकार है वो तो निराकार है वो तो प्रकाश ही प्रकाश है ऐसी सुनी सुनाई दंत कथा से पवित्र बाइबल आपको दिखा दिया दास ने उसमें लिखा है परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा बनाया नर और नारी करके उनकी सृष्टि की तो भगवान निराकार पूछ कर देखो किसी भी ईसाई धर्म के पवित्र आत्मा से कि परमात्मा कैसा है वो कहेगा गौद इज परमात्मा निराकार है तो क्या खाक पड़ा उन्होंने पवित्र बाइबल को फिर बाइबल को बाइबल को वो फाइनल मानते हैं तो बाइबल में तो साकार लिखा परमात्मा मनुष्य दृश्य है ऐसे ही वेदों के पढ़ने वाले भगवान को निराकार बताते हैं और वेदों में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है राजा की तरह बैठा है वहाँ से गति करके आता भक्तों से मिलता उपदेश देता है और कवि की तरह प्रक्रिया करता है कवियों की तरह जगह जगह जाकर लोकभक्तियों के माध्यम से दोहों के माध्यम से शब्दावली के माध्यम से शब्दों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता उपदेश देता है और कुरान शरीफ में लिखा है कि पवित्र बाइबल ने जो समर्थन किया है परमात्मा ने छह दिन में सृष्टि रची सातवें दिन तक पर जा बैठा और उसमें लिखा कि उस परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा बनाया वही जौका तो चालीस प्रतिशत विवरण पवित्र बाइबल वाला पवित्र कुरान शरीफ के अंदर विद्यमान है सूरत फुरकानी पच्चीस में आयत नंबर बावन से उनसठ तक स्पष्ट किया हुआ है कि वह कबीर नाम का परमात्मा है और कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कहता है अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कि आप इन काफरों की बातों में मत आना, वो कबीर सुप्रीम पावर है वो कबीर अल्लाह है वो सर्वशक्तिमान है सब कुछ कर सकता है और इस वही है जिसने सब की रचना करी वो अपने बंधों के गुनाहों से खूब परिचित है वो कबीर परमात्मा आपके पाप विनाश कर सकता है आपके कर्म के वो वही है जिसने छह दिन में सृष्टि रची वो कबीर नाम है उसका और सातवा दिन तकत प्रदा विराजा उसकी खबर किसी खबर से पूछ देखो जब तकत पर जा बैठा निराकार कित हो गया हो मुसलमानों को पूछ लो भगवान कैसा अल्लाह वो तो बेचून है बेचून मान निराकार इन पवित्र वेदों को पढ़ने वाले इनसे पूछ कर देखो अभी तक आपके पास सब का विधान है हिंदू धर्म में आप जन्मे हो इनका तो खूब पता आपको ये भी कच्चे परमात्मा निराकार है और आपने दास ने उन्हीं के अनुवाद को आपके सरूरू कर दिया इन अंग्रेजों का क्रह अनुवाद इंजीनियरों का इन आर्य समाजियों का ये निराकार बताओ और खुद अनुवाद कर रहे हैं भगवान राजा के समान देखा जाता है वहां से गति करके आता है भक्तों से मिलता है उपदेश देता है कवि की तरह घूमता है और फिर भी निराकार बताओ सबकी बुद्धि गुमा रखी काल ने तो पुणात्मा अब रजा हुई है परमात्मा की आपके ऊपर अब आपकी रुचि बनाएगी इन परमाणु को देख के सचमुच सारी बात साची और वो ऐसी सृष्टि है वहाँ सब मुक्त पुरानी ठाठ से रहते हैं दो सुख आप यहाँ खोज रहे हो वहाँ मिल जाएगा अरे यहाँ तो आप रह ही नहीं सकते चाहे राष्ट्रपति बन जाओ और चाहे सारी पृथ्वी पर तो मकान बना ले सौ कोठी बना ले ये तेरी है नहीं मूर्ख बनना बना रहे तो वहां क्यों ना चल रहे है यहाँ तो जब तक यहाँ रहना है भक्ति कर जैसा मालिक देता वैसे तू रहे जो रखे तो ही रहूँ मेरा के चारा और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा ये परमात्मा मैं तो आपका अब दास हो गया अरदास की चिंता मालिक नौकर की चिंता मालिक ने खूब बनी रहती है ये दयालु मालिक है हमारा जो मालिक हमने मान रखे तो कसाई है ये ब्रह्म ज्योति निरंजन काल इसको हमने मालिक मान रखा था ये तो कसाई है ये तो आपके अपने स्वार्थवश रोके हुए और जब हम दयाल की आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे तो कबीर साहब वो दयालु मालिक है उसकी शरण में आगे तो उसको सब पता है मेरे बच्चे को क्या आवश्यकता है मेरे नौकर को सब सुविधाएं देता है क्योंकि उसके अंदर दया होती है तो हम उसकी शरण में जब आ गए तो हमारी सब समस्याओं का उसको खूब ज्ञान है हम जो मांगेंगे और आवश्यक होगा वो दाता अवश्य देगा आपको और हम मांगेंगे बकवाद क्योंकि भक्ति के मार्ग में चल रहा व्यक्ति को एक पत्थर ठाक सिर पर फिर धरन लगे उन्हें यह कहेंगे मूर्ख तो कहेंगे क्यों सिर मारे पत्थर में चला के चलेंगे तो कहने का भाव ये है कि जो आप अनावश्यक वस्तु मांगोगे जो आपके ऊपर पत्थर के रूप में होगा और भक्ति में बाधा करेगा सफर में तो दाता उस वो दे को नापते ना क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं है उसकी और हम उसकी आवश्यकता मान रहे क्योंकि हम बालक हैं तो इस प्रकार पहले दास चाहता है बुद्धिमान समाज है बहुत सावधानी से सोचना पड़ेगा आपने जो किस लिए हम माया इकट्ठी करते हैं कोठी और कार बनाने के लिए और बेटा और बेटी के ब्याह में बकवाद करने के लिए व्यर्थ का खर्चा करने के लिए और ये वे मतलब के त्योहार चोर बनाकर जो बम पटाखे बजाकर फंड करने के लिए तो ये भक्ता के काम नहीं है ना जाने काल की कर डारे किस भी धड़ जा पासा वे और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हों हमने नोट ऐसे डर के रहना पड़ेगा कि ना जाने के बिजली गिर जा जैसे विवाह करते हैं बच्चों का उसमें छ महीने पहले तो चिंता वाले घर वालों ने बेटी बहनी हो और लड़के वाले की कभी बराबर खर्च हो तो सारा पंगा पा रहे हर तरह का तो उसके लिए फिर कित डी जे लाएंगे हाँ फिर बड़ी बड़ी बरात और ये सारा काम बिगाड़ाया न फिल्मों ने फिल्मों में देखा अपने कोई सिंपल वे तो ब्याह होता बकवाद करें सारी बड़े बुढ़े राजे महाराजा की तरह आगे पाचो बैंड बाजते चलो तुरो तुरो करते चले हैं लंबे चौड़े लैंप लैंप ला के फंड रहे ये ब्याह करोगे बकवाद तुम तो पहले काट दे का तो हमने इस विवाह को बहुत सिंपल वे से करना है कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति कोशिश तो अभी कर रहे हैं कि भाई हम तो चुननी पे ले आए लड़की को चुननी पर ठीक है वो भी तो ब्याह है वो कौन सा ब्याह को नहीं हुआ अरे छत्तीस बकवाद करके गाना और बजाना गुटी और लानी और फंड करना डीजे नाचना ये बकवाद दो नहीं करने ना दहेज देना हम दहेज देकर अपनी बेटी को कितने दिन सुखी कर सकते हैं? कुछ सोच कर देखो कर सकते हो सुखी बेमतलब का वो बकवा दौर भागी नकम्मा बालक है फिर नूर लालच करें जहां उसने सता हुआ लड़की न कोर जा पोपी हुए गुटी रो घरते लाओ बेचारी रो पीट के घरवाले दे दें चल बस जाएगा बेटी का बेटी का बसेगा भगवानते और उसते हमने दूर कर रखी तो वो तो फिर कर्मा बसेंगे जिसे उसके है हम सबसे पहले वो धन देंगे अपनी बेटी को जो कभी खर्च नहीं होगा और हर समय उसका साथ रहेगा सारी आपदाओं को टालेगा और दो रोटी समय पर देगा ऐसे हम अपने बेटे को इस मार्ग पर लगाएंगे वो अपने पर निर्भर होगा भगवान पर विश्वासी होगा और ज्ञान होगा कि आज मैं दहेज लूंगा कल कागद बन कर दूंगा क्या फायदा लेने का तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा जब हमने ज्ञान से परिचित हो जाएंगे तभी तो हम वहाँ सतलोक जा सकेंगे तब से हमारी छाट से अब जैसे आपको बार बार हम बताते हैं जैसे श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर नंबर के और चार में कहा है कि अर्जुन उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ उनको दंडवत प्रणाम करने से कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे वो तत्व ज्ञान है कौन सा चौथे जाय के गीता जी के बत्तीसवें श्लोक में कहा है कि अभी तक जो ज्ञान तूने पहले सुना है इकतीस तक चौथे जाय के इकतीस मंत्र तक पच्चीस से लेकर इकतीस तक उसमें कोई कैसी क्रिया करता है कोई कैसी भी कर रहा है कोई देवता पूज रहा है कोई सवाध्याय करता है जैसे कोई गीता का पाठ कर लेता है कोई ये सुखमणि साहेब का जाप कर लेता है कोई वेदों के पांच चार श्लोक याद कर लिए उनको रोज रिपीट कर लेता है कोई पांच बार की नमाज़ कर लेता है और कोई मुंह पर पट्टी बांध के तीक्ष्ण अहिंसावादी वर्तों को करता है नंगे पैर घूमता है और कोई देवताओं की पूजा करता है कोई योगासन करता है कोई खड़ा होकर तप करता है कोई बैठ के करता है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को मोसदायक मानते हैं जानते हैं ये सोच रहे हैं हम जो कर रहे हैं सही है लेकिन चौथे तो जाय के बत्तीसवें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार की यज्ञों का धार्मिक अनुष्ठानों की साधना का ज्ञान ब्रमण मुखे यानी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है स्वयं ही उपदेश देता है वो यथार्थ ज्ञान है वो तत्व ज्ञान है उसके अंदर विस्तार से कही गई है यहां अनुवाद का, गीता अनुवादकर्ताओं ने गलत कर रखा अनुवाद है? ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद कर दिया ब्रह्मणे मुखे है उसमें मूल पाठ में एक शब्द है ब्रह्मणे मुखे उसका अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी में पता वेद वाला ज्ञान तो बोल ले रहा था भगवान यो गीता दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो तो अब इसी ब्रह्मणे का अर्थ सत्र में जाके तेईसवें श्लोक में गीता जी में किया है ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म यानी वो परम अक्षर ब्रह्म आठवें अध्याय के हाँ फिर आगे बताएंगे वो, वो अन्य परमात्मा है वो समर्थ परमात्मा है वो ब्रह्मणे मुखे यानी यहाँ ब्रह्मणे कार्य समझो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में मुख माने अपने मुख कमल से उच्चारित वाणी में जो ज्ञान है उसमें ये धार्मिक अनुष्ठानों का की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है वो तत्व ज्ञान है चौथे दाय के बत्तीसवें श्लोक का ये निष्कर्ष है कि इस वास्तविक धार्मिक अनुष्ठानों की यज्ञों की वास्तविक जानकारी सचिदानंद ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है उस वाणी में यानी कबीर वाणी में विस्तार के साथ कही गए हैं और उनको कर्म जान यानी वो काम करते करते कर्म योगी होकर के उनको पूरा किया जाता है और उसको जानने के बाद तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा सभी पापों से और वो ज्ञान वो तत्व ज्ञान है चौथे जाए चौंतीस में श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस ज्ञान से अपरिचित है नहीं तो लिख देता है दैवर बना देता ये हो तत्व ज्ञान तो वो तत्वदर्शी संत कौन है ये दास हाद वर्तमान में ये कर मान लियोरे और उनको दंडवत प्रणाम करने से पूरी गीता जी में केवल उस संत को ही दंडवत प्रणाम का प्रावधान बताया है नहीं तो अठारवें अध्याय के पैंसठवें श्लोक में अपने विषय में कहता है गीता ज्ञानदाता के माम नमस्कार मुझे नमस्कार कर मुझे ममन वाला हो मेरा भक्त बन तू निश्चिंत निश्चय ही मुझे ही प्राप्त होगा अपने विषय में भी नमस्कार तक का प्रावधान बताया इसने और उस तत्वदर्शी संत को कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से कपट छोड़कर सरलता पूर्वक नम्रता पूर्वक निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे अब फिर क्या बताता सातवें अध्याय के उनतीसवें श्लोक में कहता है कि अर्जुन जो मेरे आश्रित गए यानी मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेते हैं तो उनको वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं जरा मीन वर्द्यवस्था जरा मीन वृद्ध अवस्था और मरणमीन मृत्यु डेथ कहते वो केवल इस जरा बुढ़ापे के कैर्ते और मृत्यु के दुख से बचने के लिए ही प्रयत्न करते हैं क्योंकि वो तत्परम विदु कृष्णम करम चखिलम तत्परम विदु और अध्यातम अध्यात्म चखिलम कर्म वो सभी कर्मों से और संपूर्ण अध्यात्म मार्ग से और तत्परम से वो पूर्ण रूप से परिचित होते और वही केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते इसका सीधा सार्थ है कि जो साधक संसार की अन्य किसी वस्तु की इच्छा मन में नहीं लेकर केवल अपने कल्याणार्थ यानी जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं तत्ब्रम विदु उस परमात्मा को जानते हैं जान चुके हैं तत्ब्रम को और सारे अध्यात्म से परिचित हैं ज्ञान से हर सब कर्मों से वो परिचित हैं इसलिए वो विष फांकते नहीं उनको जहर दिखाई देता है किसी से रिश्वत लेना ये करना वो करना जैसे किर का का रंग होरी हो कहो कौन ते खाव राम रंग हो रही हो अगर तो हो रही माने खुशी जैसे होली मनाते हैं अपने हिंदू धर्म में तो होली का मतलब बड़ी खुशी के साथ नाचते हैं गाते हैं कहते हैं या है नकली होली असल खुशी तो उनको होगी जो परम पिता परमात्मा कबीर जी की शरण आकर विधिवत भक्ति करेंगे सारे सुख रहेंगे कदे आनीय ना हो कहते समर्थ का शरना हो रंग होरी हो कदे हो ऐ काज राम रंग होरी हो अब क्या बताते हैं कि जैसे कर क्य हर का रंग होरी हो कहो हो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो जिसने परमात्मा की शरण में रहना है और राम रंग की होली खेलनी है यानी सदा सुखी रहना यावी भी और सतलोक जाकर तो वो जैसे कर्कट जहर का कहीं पर विष का कण गिरा हो छोटा सा भी और आपको पता है कि विष है उस अधिक तो दूर की बात है विष को खाना उस कण को भी नहीं खाएगा उठाएगा वहां से और ऐसी जगह पृथ्वी में दबा कर रहेगा किसी के ओर का हथना लग जाए और हाथ दोएगा मिट्टी तक देश अंश मेरे ना छू जा किता तो कहते हैं जब आप पूरे अध्यात्म मार्ग से और सभी कर्मों से परिचित हो जाओगे फिर आपको रिश्वत लेना चोरी जारी ठगी डाके डालना और दहेज लेना और देना दोनों जहर दिखाई देगा फिर कहते हैं जैसे किर का जहर का अभी आपको उदाहरण दिया उसने कैसा जुल्म किया अपना भाई मार दिया किस लालच में अगर यह सारी जमीन मेरा रह जाएगी वह जमीन रही नहीं संतान कुलनाश हो गया अर पाप दरे रहे गे न्यू के न्यू तो ये सचकर मान लिए को वैसे सिंपल एग्जाम्पल मारक मात्र नहीं है ये गौड़ गिवन ज्ञान है उसके कबीर परमात्मा का बता हुआ आंखों देखा और महापुरुषों का बताया हुआ ये कोई डूम बाँट के गीत ना समझना बहुत योगों से आप दुख पा रहे हो और इसी काल के झंझट में उलझ उलझ पुलझ कर यही मर जाते हो तो क्या बताते हैं जैसे कर का जहर का एक भी किसी का पाई भी लेना बिल्कुल आपको विष दिखाई देगा फिर कौन खाओगा उस विष को कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का देखा हर पाई पाई का हिसाब होगा वहां पर तो इसमें तो बहुत बड़ा बखेड़ा बन जाएगा आपके लिए तो बुद्धिमान व्यक्ति फिर उसका निकट नहीं जा सकता अब बालक जहर चय सारा खा जा लेकिन ज्ञान होने के बाद व्यक्ति विष के निकट नहीं जाता तो जब तक आप बोध थे खाते रहे विष मरते रहे गधे कुत्ते बनते रहे ये विष है ऐसे संकट भोगने पड़ते हैं अपने को और जब दीमान हो गए वो तो इसका निकट भी ना आते जैसे भक्ति के मार्ग में बहुत ही सीमित सामान लेकर चलना चाहिए ये परमात्मा स्वयं आकर के भक्ति जड़ करते हैं कबीर परमेश्वर जी एक समय ये कहीं प्रगट हो गए थे वहाँ रह रहे थे एक संत रूप में उनके सेस हुए एक रंग का, एक बंका एक उनकी लड़की थी उसका नाम था वंका और उसी समय उन्हीं के पैरल हुए श्री नामदेव जी जो छिपा जाति में उनका जन्म था बड़े महापुरुष हुए तो पुणात्माओं जैसे हम अन्य संतों के चमत्कार देखकर उनसे हुई कुछ आध्यात्मिक लीलाओं को देखकर हम उनको परम संत मानकर वहीं तक सीमित हो गए फिर उनकी सब आदि पूजन लाग गए यादगारों को अब वो संत बचपन से ही ऐसे लीला होती थी उनसे और उनके इतिहास में लिखा है कि छोटे ही बचपन में से ही उनके ऐसे ऐसे भगवान की तरफ से बहुत से उनके बेनिफिट मिले तो वो पिछले जन्म के पुनकर्मी प्राणी थे पार हुए नहीं वो फिर दोबारा आगे जन्म ले गए तो उनकी बचपन से ही वो भक्ति की जो जो चमत्कार थी वो चिंगारियां फट रही थी कुछ दिन में डिस्चार्ज हो जाते खत्म हो जाती वो उस दिनों के बाद फिर वो चले जाते ऐसे ही अपना का कर्म बिगाड़ कर उन्हीं में से ये एक नामदेव जी थे बचपन से ही उनकी पिछले संस्कारों से पुनों से बहुत से ऐसे लाभ हुए एक बार विठल भगवान की पूजा करते हैं महाराष्ट्र के अंदर तो विठल भगवान की एक मूर्ति बना रखी होती है विष्णु है विठल वैसे विष्णु को ये विठल मानते हैं विठल विष्णु जी के अवतार थे उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं उनको भोग लगाते हैं और पीछे आप भोजन करते हैं तो एक बार नामदेव जी के छोटे से थे उनके पिता ने कहा बेटा हमने कहीं बाहर जाना है कई दिन माना पड़ेगा तुम भगवान को भोग लगाना ठाकुर जी को और पीछे दूध पीना पहले भगवान को भोग लगाना ठाकुर जी को बिठल जी को और फिर पीछे ग्रहण करना अन्यथा पाप लगेगा बच्चे का बहुत जल्दी असर होता है इन बातों का माता पिता चले गए पहले से पैदल जाते थे पैदल आते थे तीन दिन जाने में एक दिन वहाँ के तीन दिन आने में लग गए जैसे भी एक हफ्ते में आए अगले दिन नामदेव जी ने नहा धोकर दूध का कटोरा भर के और बिठल भगवान की मूर्ति का रख के जैसे माता पिता करते थे पर्दा लगा के खड़ा हो गया भगवान भोग लगा लो भगवान भोग लगा लो थोड़ी देर में पर्दा उठाया जो का दो रखा कटोरा नहीं दूध लगाया नहीं पिया अब उसके माता पिता क्या करते थे कि कटोरा रख के ऐसे करते थे विट्ठल भगवान दूध पी लो पर्दा लगा देते थे एक आलिसी में मूर्ति रखी थी उसका पर्दा ला रखा था और थोड़ी देर में उठा के अपने आप सारे दूध में मिला के और पी लेते थे और बच्चे को इन पता नहीं था कि बिठल जी दूध ना पीते उन्हें सोचेगा जी घूट भर लेते होंगे भगवान तभी माता पिता लाते हैं उन्हें देखा भगवान ने तो दूध ना पिया उस दिन भी फिर उस खुद भी रोटी ना खाई भगवान आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा आदेश है मेरे पिताजी का अगले दिन फिर रख दिया दूसरा भर के उस दिन भी ना पिया रोटी नामदेव जी ने भी नहीं खाई अब तीसरा दिन निकलया बालक मरड़ हो गया अब वो समृथ परमात्मा यानी उसके पिछले पुनों से ऐसे लीला होती है आए दाता उस बिठल वाली मूर्ति का बैठ बैठिए छोटे से बनके और नामदेव ने कहा भगवान जब तक भोग नहीं लगा लोगे तेरा दास टूक टूक ना तोड़े मरूं चाहे जीव मत बेसिक मर जाऊं तभी आस्था देखी भगत की भगवान नाक है और दूध पी गढ़ पूरा कटोरा पी गए रामदेव कूदता फिर आज राजी हुए मेरे भगवान नामदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं आप भी दूध पिया छक्कर रोटी खाई अकाद प्रसन्न हो गए मेरे भगवान मेरे से कोई रोटी बन गई थी आप रोज पिओए रोज दर्दे दूध सामने पियो गट गट और फिर मूर्ति सी दिखे उनके माता पिताए उन्हें चिंता थी बालक है कहीं भगवान को भोग ना लगाया वो नाते पूछा बेटा क्या विठल जी को भोग लगाया था अका माता जी ऐसा बना तीन दिन तो इन्होंने कुछ नहीं खाया पिया और मैंने भी नहीं खाया पिया क्या करा कि मैं दूध रखूं भगवान ने ग्रहण नहीं किया मैंने सोचा आपकी याद में दुखी हो रहे होंगे परमात्मा नहीं पिया होगा और या मिछे कोई त्रुटि होगी तो तीसरे दिन भगवान ने तीसरे चौथे दिन जैसा भी भगवान ने दूध पिया नहीं पहले भोग नहीं लगाया तीन चार दिन और मैंने भी खाना नहीं खाया मरने को हो गया था अब बच्चे के मुंह की तरफ देखें वो माता पिता ये क्या बोल रहा है क्या कैसे भोग लगा बेटा थे ना कि भगवान को भोग रख तीन दिन तो इन्होंने पिया नहीं चौथे दिन पी लिया दूध सचमुच हाँ 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 उन्हें सोची लड़का बकवाद करे है इसने कोई भोग भाग नहीं लाया क्यों मालूम था दूध पीता नहीं मूर्ति पत्थर के दूध पिया करे वो तो मुंह के लागे छीटा फिर आप ठहलाया करते थे उन्हें सोची वो बकवाद कर रहा है भोग भाग नहीं खेलता रहा बालकों में बोला साची बता न गड़ेंगे हम झूठ बोला तू तो भोग नहीं लगा भगवान पत्थर थोड़ा मूर्ति थोड़ा दूध पीती है अग्नि नहीं दूध पिया मेरे सामने पिया उ और पकी जचगी झूठ बोला सारी लटका न बोले भाई तू तो झूठा गा हो गया नामदेव और हम तेरे से बात नहीं करते तेन भोग तो लगाया नहीं हमारे भगवान को वो कहने लगे हमारे सामने लगा के दिखा कैसे दूध पिया उन्होंने प्रतिदिन जैसा करता था पूरे रूटीन से धोया कटोरा दूध का भरा और रख दिया हे भगवान मेरे माता पिता के विश्वास नहीं रहता भोग लगाओ उसी से मैं मूर्ति से हाथ से निकले नूँ कचिया कचिया और पकड़ के उनके सामने माता पिता के सामने गट गट दूध पी गया तब उसके माता पिता ने सारे गांव में बता दी नगर में कि बिठल जी ने दूध पिया मेरे बेटे से दूध पिया मेरे बेटे से ये और का गजत चैना वह लागे कण बकवाद करता है पाखंड करता है तो है झूठा कपटी क्यों पाखंड फैला रहा है मूर्ति कभी दूध पीती है पंचायत होगी चौपाड़ में बुला दिया नामदेव भी उसका लड़का भी पंचों ने फैसला किया कि हमारे सामने दूध पिलाओ भाई जब मानेंगे ना तुम्हें देश निकाल गांव से निकालेंगे तुमको तुम पाखंड फैलाते हो अपने घर पर लोगों का चढ़ा चुढ़वाने के लिए भ्रमित कर रहे हो वहां बुलाने लग जाओगे कुछ दिनों में अब समस्या आ गई नामदेव भी बुला लिया बैठ के नामदेव क्या पिता बैठ गया साथ में नामदेव बैठा और कहा भाई क्या क्यों बच्चा भोग लगा भगवान ने विठल जी ने दूध पिया था जी पिया अब ये रखी है मूर्ति अलग से सुथे स्थान पर बनाकर शटेज सी रख रखी थी कि यहाँ पे ला कर दिखा दे ये दूध रखा वो अपना जैसे भी नाया ना दो दोर का, नादो के आया था हाथ धोकर कर रखा केहे विठल महाराज दूध भोग लगाओ मेरे दाता मेरे माता पिता संकट के अंदर है दया करो मेरे मालिक उसी समय पंचों के सामने हाथ निकले मूर्ति से और गट गट, -गट दूध पी लिया सारे देखे खड़े खड़े तो 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 अब इस चमत्कार को देख कर नामदेव जी की इतनी महिमा होगी आसपास के क्षेत्र में पूज्य होगी अरे अब वो क्या करते थे कुछ थोड़े से बड़े हुए किसी से नाम लिया ओम नाम का जाप करते थे फिर परमात्मा मिलते हैं आकर ऐसी पुण्यात्माओं को जैसे उनका विधान है वो नेक आत्माओं को मिलते हैं अच्छी आत्माओं को मिलते हैं दृढ़ भक्तों को तो कबीर साहब उनसे मिले ज्ञान दिया कि ऐसे ऐसे भाई ओम नाम का जाप तुम कर रहे हो गुरु से लेकर के ये तू ऐसे ऐसे सारी सती थी बता दी और इससे आगे एक और मंत्र है जो दास देगा और उससे मोक्ष होगा ये तो असंग जन्म हो गए मर, मरते और ये छोटे मोटे जो लीला हुई है ना ये तेरे पिछले पुनों से हुई है आगे चार्जर ठीक नहीं है पीछे बैटरी चार्ज थी तब तक यह काम कर रही है सारा समझाया उनको जैसे ही उस भाषा में तो विठल नामदेव जी ने नाम ले लिया किसे उस संत से जो स्वयं मालिक आकर रहे गुप्त रूप से रहा करते थे अब नाम भी ले लेते हम लेकिन वो पुरानी जो साधनाएं हैं जो क्रियाएं है, उमन मत समारी हैं वो भी साथ करते रहते एक दिन नामदेव जी क्योंकि छिपा जाति में थे और ब्राह्मण लोग अन्य जाति वालों को भगवान की आरती में निकट नहीं जाने देते थे दूर खड़ा रखते थे वो आरती जहाँ करते थे बिठल जी की ब्राह्मण वर्ग ही रहते थे वहां उसको सक्षेत्र था एक दिन नामदेव जी जा रहे थे आरती मंदिर में हो रही थी इतने आत्मविभोर हो गए पंडित जी ते वो घंटियां बजा रहे थे और नामदेव जी ने जूते निकाल लिए दोनों अपने और जूतों को लगे बजाने और बजाते बजाते उन पंडिता के बीच में पहुंच गया जैसे मंदिर की दर्शन करने के लिए मूर्ति के निकट पंडिता के बीच में घुस गया उन्हें देखा कि वो कौन आ गया छोटी जाति का हाथ में जूते ले रहा पकड़ के बाजू से और मंदिर के पीछे पटक दिया जाकर आरती में बाधा कर दी कहते हैं भगवान कबीर साहेब ने उस मंदिर का मुंह फेर दिया नामदेव की तरफ और पंडित जी पीछे घंटी पीटे खड़े खड़े पछला करने तो नामदेव जी उठकर आगे अगले दिन वो उनसे मिला अपने गुरु बहनों से भाई से रंका बंका और वंका तो घर पे पहुंचा वहां आते जाते रहते थे घर पे गया तो अकेली लड़की थी वंका मात पिता कहीं बाहर गए हुए थे वो लड़की कुछ पट्टी कर करे थी जैसे किसी का चोट लाग जा उसके जैसा भी देसी इलाज कोई कूट छेद के जड़ी बूटी नामदेव जी ने पूछा बहन किसको क्या हो गया आप क्या बना रही हो अपने आत्मा भगत जो होते हैं वो भगत वाली भाषा बोलिया करते हैं और लड़की बोली भाई नामदेव तू चल रहा है बनमुखी अपने हिसाब से चलता है भाई तू तू आगा पीछा नहीं देखता तेने क्या जरूरत थी वह मंदिर उन पंडितों के बीच में जाके खसन की है गुरु जी की बेजती कराना चाह था तू जब तेरी बेजती देखी नहीं गुरु जी पे और गुरुदेव ने जो तेरा मंदिर घुमाया है ना उसके कारण गुरुदेव का चोट लग गया हाथ के और उसके लिए पट्टी तैयार करो नामदेव कुछ सोच ले भाई ना दुखी करा करे रामदेव ने ना सोचा गुरु जी दिखे भी कोई ना वहाँ पर और मंदिर घूम गया उसने वहम हो गया था कि मेरी भक्ति ने कर दिया यू काम उसकी फड़क निकालनी थी वो भ्रम निवारण करना था दाता ने अब उसने सोचा भैंड सचमुच अकोर मैं बालक हूँ मूरख हूँ पट्टी ले जा रही हूँ चाल मेरे साथ वो दोनों गए गुरु जी का चोट लाग गया थिड़िया पे और लड़की ने मैं लमला पट्टी बहन दी चरना में गया रोन लग गया नहीं बोला भगवान मेरे मेरे से गलती होगी माफ़ करते हो आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा बोला कहा बेटा जब मैंने मारक बता रखा वो मंदिर में टिंडे ले गया था तो जो भक्ति मैंने बता रखी इस विधि से तेरा कल्याण होगा वहाँ किस लिए गया था तो मानते हो नहीं मनमुखी चलते हो इसलिए मार खाते हो तो उसके बाद उसकी वह दृढ़ता बढ़ गई सचमुच लेकिन वो तो मालिक थे वो जैसे आजकल परंपरा चल है कि गुरु ही भगवान होता है गुरु भगवान नहीं होता वो तो भगवान ना आए थे सीधे गुरु बन के और अपनी भक्ति की सतीथि बना के रखनी थी काल नो सोचा है नकली संत नकली पंथ बना के नकली नाम जाप करा के इनकी भगवान से आस्था हटा दूँ जो साधना ये करेंगे उसे लाभ तोड़ना नहीं आपत्ति न्यो की नो पड़ेंगी आके तो कुछ दिन में भक्ति छोड़ देंगे और परमात्मा सोच क्रियाएं करता है आप भी आते हैं कोई एक संत भी भेज देते हैं तो अधिकतर स्वयं ही आए हैं मालिक ने और स्वयं ही वो काम करा जो भगवान किया करते हैं तो वो तो भगवान और गुरु वो तो वन ऑल इन वन थे वो तो सब कुछ थे दाता लेकिन अन्य जो गुरु है वो गुरु है और भगवान अन्य है गुरु परमात्मा का पुजारी होता है और उसे मिलाने वाला मीडिया होता है गुरु भगवान नहीं होता भगवान तो भगवान ही होता है लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए एक विधि बताइए परमात्मा ने कि अपने गुरु को आप एज ए गॉड ट्रीट करना उससे भगवान की तरह व्यवहार करना ताकि जब तुम यहाँ से जाओगे इसी रूप में आगे भगवान परीक्षार्थ बैठेगा और यहाँ जैसा व्यवहार आप कर रहे हो जैसे विचार अपने गुरुजी के प्रति रखते हो वो वहाँ भी होंगे तो वहां जैसी आपकी व्यवहार विचार त्रुटि युक्त होंगे तो वहां से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फिर वापस गिर जाओगे इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नरक अंध महादुखी संसार में आग काल के फंध गुरु गोविंद कर जानियो रहियो वचन समाये और मिले ते दंड बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगा अब कहने का भाव क्या है कि जैसे जैसे ये दास है इस दास संस्थान पर भगवान आ सकते थे वो आ जाए और आप उनको खोज रहे हो भगवान अब यहाँ आ जाए वो भगवान आपका कैसा व्यवहार होगा जैसा इस दास के प्रति आपका है अब उस परमात्मा के प्रति जो आपका भाव बनेगा और वो भाव इस दास के प्रति नहीं है तो वहां भी नहीं बनेगा आपका फिर उसके प्रति इफ जैसे परमात्मा यहाँ आ जाए आपको जिसकी आप खोज कर रहे हो तो किस प्रकार लिपटोगे उसके चरणों में रो गिर मुंह की तरफ देखोगे सौ सौ बार शुक्र मनाओगे भगवान बड़े बाग जागे दर्शन हो जिस भगवान को हम खोज रहे हैं। और वो आज इस दास के स्थान पर होता वो तो हजारों बार हुए हैं रहे हैं दाता हम नहीं उनके समझ सके उसको जन साधारण एक भक्त संत समझ कर हमने उनसे डील किया आप जो व्यवहार मेरे से कर रहे है वैसा है, उसके साथ करोगे तो परमात्मा वहां जब जाएगा तो यहां ये सोचकर हमने गुरुदेव से डील करना चाहिए कि मान लियो भगवान बैठे हमारे सामने भगवान के सामने कपट नहीं कपट से बात नहीं की जा सकती जो वचन जो आदेश देव श्रोधार्य ही होना चाहिए अपनी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि वो आपके हित ऐसी हैं आपका बुरा नहीं चाहते केवल भले के लिए आपको आदेश देंगे ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना केवल ऐसा ही करना तो ये तुम वचन मानोगे तो भगत बनोगे और आपका कल्याण होगा यहाँ कहते मुख पर वचन कर पर माना अर घर पर जाके कर विज्ञाना मुख पता गुरु जी की बात मान ले हाँ जी हाँ जी अर घर घर न सोचना न सोचो नो थोड़ा ऐसे थोड़ा वाकर, ऐसे थोड़ा करना है बताइए मर्यादा कैसे छोड़ेंगे तो फिर के खाख से सो तुम जो गुरु वचन पर के कट गए फंद चुरासी के भाई जो गुरु वचन पर के कट गए फंद चुरासी तो गुरु वो तो गुरु रूप में आए थे मालिक ही लेकिन दास गुरु रूप में मालिक नहीं उस मालिक का दास समझो लेकिन गुरु को भगवान के तुल मानने से आपकी समस्या हल होगी नहीं तो हो नहीं जैसे एक मैथमेटिक्स का एक गणित का प्रश्न होता है ऋण का उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है तो मूलधन तो होता करोड़ों रुपए में अरबों में उस उस अरबों करोड़ों वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है मान लीजिए मूलधन सौ रुपये वो मूलधन सौ रुपये होता नहीं लेकिन उसके उसको मूलधन मानने बिना वो करोड़ों अरबों वाला मूलधन आपको मिल नहीं सकता तो जो परमात्मा है वो तो परमात्मा है वो तो समर्थ है लेकिन उस समर्थ को पाने के लिए इस दास को आपने मानना पड़ेगा मूलधन यानी गुरु मान ले भगवान तभी आपकी, आपकी यह समस्या हल होएगी नहीं तो हो। कति नहीं हुआ जीरो नंबर आओगे आपके तो इस प्रकार समझदार ने समझदार को संकेत बहुत होता है अप्रसंग चल रहा है कि फिर जब भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं घना सामान तर के सिर पर नीचा जाता है ये परंपराएं टानी पड़ेंगी और जैसे भगवान रखे न्यो रहना पड़ेगा जैसे करका जैर का रंग हो रही हो कहो कौन तीस खावे राम रंग हो रही हो अब बंका झोंपड़ी में रहते थे गए थे और क्या करते थे जंगल से लकड़ी तोड़कर लाते थे उसको बेचकर अपना खाने जोगा रख कर बाकी गुरुदेव के चरणों में भंडारे में लगा देते थे एक दिन नामदेव जी गुरुदेव यानी कबीर परमात्मा गुरु रूप में आए हुए थे उनसे कहने लगे गुरुदेव आपके दो भगत दो तीन भगत हैं कितने निर्धन हैं इनको कुछ धन दे दो इनका टाइम भी पास हो जा भक्ति भी गणी कर ले अब परमात्मा ने कहा सोचा कि नाम देव तो बड़क है कति श्रद्धा बतेरी है पर इसमें विवेक बना नहीं अरे भक्ति ये करें और एक से बर्तन बनाओ है वहाँ से लकड़ी तोड़ी वहाँ तक लकड़ी तोड़ने जाते हैं तो मंत्र करते जाते हैं लकड़ी तोड़ के सिर धरी मंत्र करते आते हैं भक्ति मत बाधा है नहीं और लेकिन नामदेव जी की उस समय समाज की सोच घड़ी थी उस बच्चे को भी सेट करना था अपने को तो परमात्मा ने कहा भी ठीक है चल धन दे देता हूँ पर मैंने कोशिश बहुत करी है भाई ये रखते नहीं धन ने मैं देता हूँ ये सारा दान कर देते न बोला जी ना दान दो पैसे दो बोला ये लेते नहीं अर ना मांगते कभी मेरे तय पर रामदेव ने कहा जी आप तो बिन मांगे भी दे देते हो अब कई दे तो दूंगा पर ये लेते नहीं मेरे से अब नामदेव जी का या गला उतरा नहीं इतने दुखी हो रहे क्यों ना लेंगे पैसा तो ले ही लेंगे ये कबीर साहब बोले ओ परमात्मा बोले गुरुदेव रूप में कि अच्छा भाई आज इनको वो पैसे देते हैं गहने ले लिए गहने आभूषण सोने के चांदी के अच्छे दो तीन किलो एक थैले में लेके नामदेव और गुरुदेव दोनों उस रस्ते में खड़े हो गए झाड़ के आड में ओट में जिससे वो दोनों रंका और बंका लकड़ी तोड़कर लाते थे अब रंका तो आगे चल रहा था बंका थोड़ी पीछे रह गई थी थोड़ी फैसला था अपने सफर में थोड़ा बहुत यानी 100-200 फुट का तो उससे परमात्मा ने क्या किया कि जिस रस्ते से वो आ रही थी वहां पर वो आभूषण डाल दिए और उस आ उस झाड़ के पीछे जाके दोनों छुप गए अब आ गया रहा था रंग का उसने देखा गहने पड़े हैं और औरत जो है गहनों को देखकर लालच में आ जाती है कहीं बंका अपने कर्म ना बिगाड़ ले उसने पैर के साथ उस पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी सिर पर लकड़ी थी पैर से रेता डालना शुरू कर दिया अब वंका ने देखा मेरे पति रुख कैसे गए कोई पैर में क्या हो गया इनको उन्हें जान से देखा ये तो आप भूषणों पर मिट्टी डाल रहा है वह अभी समझ गई इस बात ने वो कहने लगी कि चलो चलो आगे क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो आगे चलो अब दोनों छोड़कर आगे चले गए अपना तो परमात्मा बोले नामदेव देख लिया तेने ना लेते मैं क्या करूं भाई अपने आत्माओं एक दिन क्या हुआ सत्संग चल रहा था गुरुदेव सत्संग फरमा रहे थे और रंका और बंका दोनों पति पत्नी सत्संग में विद्यमान थे चर्चा चल रही थी अकेली लड़की घर पे थी जों फड़ी में आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें एट टू 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 880541